I want you to show me how to get to know someone like you. नमस्ते सत श्री अकाल आदाब, मेरा नाम है संकेत और आप सभी का स्वागत है मेरी इस YouTube चैनल पे। आज हम आ चुके हैं डैडीज किचन में और मेरे साथ है आकांक्षा। अभी हम अंदर जाएंगे ना, यहाँ का जो फूड है वो टेस्ट करेंगे। तो आकांक्षा कैसा लग रहा बाहर तो से? काफी बेटर है और अंदर से तो पता नहीं। हाँ, अभी अंदर जाएंगे हम। हाँ, और इसके बारे में काफी कुछ सुना है। आना ही था। तो ये जो है किचन, डैडीज किचन, ये है जरीपटका में और इसका जो एड्रेस है फुल वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो अब वेट नहीं करते, अंदर चलते और देखते कि क्या क्या अमेजिंग चीजें। सो गाइज, अभी हम आ चुके हैं डैडीज किचन के अंदर। ओके, टेस्ट में बहुत ज़्यादा अच्छा है और क्रिस्पी बना आ रहा है इसमें और मुझे बहुत मज़ा आ रहा है इसको खाने में। सो गाइज, आकांक्षा ने तो टेस्ट कर लिया है वेज स्टार्टर, अब मैं करने जा रहा हूँ नॉनवेज स्टार्टर जिसका नाम है गार्लिक चिकन टिक्का। तो काफ़ी अच्छे से इसका डेकोरेशन हुआ है, तो भाई मेरे मुँह में तो पानी आ रहा है। तो गाइस, हमारे पास में दो चटनीस में, तो मुझे तीखा पसंद है तो मैं ग्रीन चटनी जो है वो यूज़ करूँगा। इसमें मैंने हल्का सा इसको डिप किया, अभी मैं इसको टेस्ट कर रहा हूँ। गाइस, इसमें जो फ्लेवर आ रहा है वो गार्लिक का आ रहा है एंड साथ में जो हरी चटनी है उसका तो ऑब्वियस बात है उसकी तीखा फ्लेवर आ रहा। तो मुझे तो ये डिश काफ़ी अमेजिंग लगी। अगर आप आ रहे हो डैडीज किचन में और आप एक स्टार्टर की तलाश में हो कि नॉनवेज में मुझे ये स्टार्टर चाहिए, तो आप इसके ये जो स्टार्टर है आप चूज़ कर सकते हो और इसका आनंद उठा सकते हो। मैंने तो अपना नॉनवेज जो स्टार्टर है पहला वो टेस्ट कर लिया। आकांक्षा, आपको वेज स्टार्टर कैसा लगा? देखो, मैं तो वेजिटेरियन हूँ बहुत। हाँ? ज़्यादा अगर मुझे कुछ खाना है तो मैं डेफिनेटली डैडीज किचन में आना चाहूँगी क्योंकि मुझे टेस्ट काफ़ी पसंद आया है और आना चाहूँगी। तो गाइस, स्टार्टर में वेज हो या नॉन वेज, आओ डैडीज किचन और स्टार्टर का लुत्फ़ उठाओ। गाइस, बढ़ते हैं मेन कोर्स के ऊपर। अभी हमारे सामने जो डिश है इसका नाम है चिकन रा मसाला। वेज में ऑर्डर किया है पनीर टिक्का मसाला और मैंने पनीर खुरशन भी मंगाया है। क्या बात है भाई। सेकंड जो डिश है मेन कोर्स में वो है सावजी मटन। भाई नागपुर में और सावजी ना खाओ तो क्या यार, ये देख सकते हो ग्रेवी तर्री, हाँ, मटन के पीसेस एंड डेकोरेशन बहुत ही प्यारा किया है। अब वेट नहीं हो रहा, अब खाते हैं भाई। ने जा रहा हूँ चिकन रा मसाला। मेरे साथ है, अभी इसके साथ में मैं खा रहा हूँ मसाला रोटी। तो शेफ भी मेरे साथ है सिद्धार्थ जी, वेलकम टू आवर चैनल। थैंक यू सर। सर, मुझे आप एक बताइए कि इसको मसाला रोटी क्यों बोला जाता है? जैसा इसमें मसाला है। हाँ, और गार्लिक है। ओके, हरा धनिया है। हाँ, इसलिए मसाला रोटी बोलते हैं। ये जो रोटी है इसमें मैदा यूज हुआ है कि होल व्हीट है? प्योर गेहूँ की है। काफ़ी रेस्टोरेंट में आप देखते हो तो थोड़ा मैदा वगैरह करते हैं, बट डैडीज किचन में प्योरिटी आपको मिलेगी, ये सबसे अच्छी बात है। हाँ, बहुत प्यारा लग रहा है, एक्साइटेड हूँ मैं खाने के लिए। ओके,
क्या बात है क्या बात है, बहुत ही प्यारा लगा एक चिकन रारा रा मसाला खा के। अब आप मुझे ये बताएं कि इसमें आपने ऐसा क्या डाला कि जिसको और स्पेशल बनाए इसको। तो ऐसी बात है कि इसमें कीमा जाता है, कीमा कीमा चिकन का कीमा, ओके चिकन है तो रेड ग्रेवी है। हाँ हाँ, और ओनियन ग्रेवी। डैडीज किचन में ये बहुत ज़्यादा चलता है ना, इसका क्या रीज़न है सर? हमारा डैडीज किचन का स्पेशल है। स्पेशल है तो गाइस अगर आप आ रहे हो डैडीज किचन में और मेन कोर्स में अगर नॉनवेज की तलाश में हो आप, तो चिकन रारा रा मसाला ऑर्डर करना ना भूले। इसका टेस्ट भाई सही में बहुत ही लाजवाब है। इस वक्त पनीर टिक्का मसाला मंगाया था, तो हमारे साथ अभी हमारे शेफ है यहाँ पर सिद्धार्थ। तो आप मुझे बताइए कि आपने इसमें ऐसा क्या मतलब बनाया है, मतलब क्या मिक्स किया है, मतलब जो मैजिक जो डाला है उसके बारे में कुछ बताइए। नहीं सर, मैजिक तो कुछ नहीं है ऐसा, क्योंकि रेड ओनियन और रेड ग्रेवी में बनता है पनीर टिक्का मसाला और तंदूर से बन के आता पनीर टिक्का। टिक्का के साथ मैंने लच्छा पराठा मंगाया था और इसके लेयर्स भी काफ़ी अच्छे दिख रहे हैं, तो एक बार टेस्ट करते हैं। ओके, पनीर टिक्का मसाला टेस्ट करने के बाद मैं जब पूछना चाहूँगी कि इन्होंने मतलब जो स्वीटनेस आ रही है इसमें वो क्यों आ रही है? स्वीटनेस पिन तो आएंगे उसमें क्योंकि रेड ग्रेवी है और कोकोनट पाउडर, लेमन और चीनी डाला हुआ है। बढ़ते हैं मटन सावजी के ऊपर। नागपुर में और यार सावजी ना खाओ, ऐसा कभी हो सकता है? और डैडीज किचन में तो यहाँ पे मिल ही जाएंगे आपको सावजी मटन। हाँ हाँ हाँ। सो गाइज अभी मैं इसको गार्लिक नान के साथ टेस्ट कर रहा हूँ। आप अगर यहाँ पे आ रहे हो तो आपको रोटियों में काफ़ी सारे ऑप्शन मिलेंगे। कोई बोलता है कि गेहूँ की होना तो गेहूँ की मिलेगी, या फिर रोटियों में काफ़ी वेरिएशन रहते तो आपको सब कुछ मिल जाएगा। अभी मैं इसको टेस्ट कर रहा हूँ। मटन काफ़ी सॉफ्ट है, मैंने थोड़ा सा ग्रेवी में डिप किया। सावजी का वो तीखापन बोलते ना वो इसमें है। अगर आपको और भी स्पाइसी चाहिए तो आप सिद्धार्थ शेफ यहाँ पे है, आप उनको बोल के और भी तीखा बना सकते हो। मैंने काफ़ी जगह पे सावजी मटन जो है ट्राई किया हो, बट डैडीज किचन में मुझे कुछ अलग लगा। थोड़ा सा स्वीटनेस आया इसमें एंड हल्का सा स्पाइसी आया, तो ये क्यों ऐसा लगा? सिर्फ ऐसी बात है कि हम किसी को मसाले बताते नहीं, वो सीक्रेट है। सीक्रेट है तो यही तो खास बात है डैडीज किचन की। अब इनसे क्या पूछेंगे, अब अगर आपको पता करना है तो आप यहाँ पे आओ और ये खाने का आनंद उठाओ। सर मैंने अभी इस वक्त ये मंगाया था पनीर कुर्चा और मुझे इसकी गार्निशिंग काफ़ी पसंद आई थी, तो सर इसके बारे में मुझे कुछ बताइए। कि इसका बेस रेड ग्रेवी में बनता है और जो पनीर है फ्राई किया हुआ है और येलो कलर में डिप किया करके उसको ऊपर गार्निशिंग करा हुआ है। ओके गाइस, मैं तंदूरी रोटी के साथ इसको इस वक्त अभी टेस्ट करती हूँ। टेस्ट करने के बाद मुझे काफ़ी चटपटा फ्लेवर आ रहा है और काफ़ी मसालेदार है, तो अगर आपको स्पेशलिटी खानी है तो फिर आप प्लीज़ डैडीज किचन में आइए। डैडीज किचन के जो ओनर है मनीष सर, सर मनीष सर वेलकम टू अवर चैनल। डैडीज किचन कब से स्टार्ट किया? मैं ये 30 जुलाई 2018 में स्टार्ट किया था। ओके जी, पहले छोटा था, उसके बाद उसको रिन्यू करके हमने ये बड़ा एम्पायर बनाया। क्या बात है, धीरे धीरे मतलब प्रोग्रेस हुआ है सर का। तो डैडीज किचन जो ये जो नेम है ना, तो काफ़ी मतलब थोड़ा अलग लगता है, यूनिक लगता है, तो इसके पीछे की कहानी बताए सर। नहीं कहानी कुछ नहीं है, बस ऐसे सोचने बैठे थे नाम, तो पिताजी थे साथ में, उन्होंने बोला कि डैडीज किचन रखना चाहिए। ठीक है, क्या बात है, पिताजी से प्रेरणा लेके इसका नाम डैडीज किचन रखा है। तो सर शॉर्ट में आप मुझे बता दीजिए कि यहाँ पे सीटिंग अरेंजमेंट कितना है? सीटिंग अरेंजिंग मैक्सिमम 80% के हिसाब से है जी। ओके, और हाई टू हाई जैसे पार्टी जैसी रहती है तो 120-140 हो जाते हैं, आना जाना चलते रहता है। तो गाइज आप ये देख सकते हो, कैमरामैन पूरा एक दिखा दीजिए एक शॉट। तो यहाँ पे ये हॉल का है, अभी हम गार्डन की तरफ चलते हैं और वो भी दिखा देते हैं आपको। ये सर क्या क्या अरेंजमेंट और होती है, मतलब बर्थडे पार्टीज भी वगैरह होती है? यहाँ पे किटी पार्टी होती है, बर्थडे पार्टी, रिंग सेरेमनी भी हो चुकी है। बाप रे, मतलब अगर आप कुछ स्मॉल फंक्शन प्लान कर रहे हो तो डैडीज किचन अवेलेबल है यहाँ पे, जो कि आपकी पूरी सुविधा करे, खाने से लेके हर चीज़। हर चीज़ जी जी, स्नैक स्टार्टर वगैरह हर चीज़ रहेगा। तो ये तो काफ़ी अमेजिंग बात है, तो आप आओ डैडीज किचन में, हर सुविधा का लाभ उठाओ यहाँ पे। खाना तो भाई बहुत ही यमी है और जो जो हमने डिशेज ट्राई किए वो सबसे यहाँ पे बेस्ट है, सिग्नेचर है। तो आप आओगे तो अभी आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगा।
एंड साथ में मैं इनका नंबर जो डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, ताकि आप अगर आपको कुछ क्वारीज है तो आप इनसे संपर्क कर सकते हैं। सर थैंक यू सो मच, बहुत ही प्यारा लगा सर। ड्रिंक अलाउड नहीं है? ड्रिंक अलाउड नहीं? अरे भाई बहुत बढ़िया, मतलब फैमिलीज के लिए तो बहुत ही एक अच्छी जगह है कि यहाँ पे ड्रिंक्स अलाउड वगैरह नहीं है, स्मोकिंग वगैरह भी नहीं है, तो एक डिसेंट सा प्लेस है। आप अगर किसी के साथ आ रहे हो, दोस्तों के साथ आ रहे हो या फिर फैमिलीज के साथ आ रहे हो, तो यहाँ पे अवश्य आए यहाँ पे, और यहाँ पे ज़रूर विजिट करें और यहाँ का खाना ट्राई कीजिए। मिलते एक नए वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, शेयर करो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर चैनल। बाय बाय।